नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, सिलवासा के डोकमंडी कॉलेज जो है, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में लगातार सुबह से ही आज जो है इंडियन डेडलिफ्ट फेडरेशन द्वारा जो है कार्यक्रम विक्रम राजपुरोहित और वर्षा राजपुरोहित के मार्गदर्शन से पूरे ही कार्यक्रम को जो है आयोजित किया गया था, जिसके तहत इंडिया के बेस्ट आप बोल सकते हैं डेडलिफ्ट में जो नाम बना चुके हैं विक्रम सिंह फोगाट जी, उनका आगमन हुआ है और कैसे पूरा कार्यक्रम हुआ है, ये यहाँ पर बैठे कुछ लोग और जो लोग जीते हैं उनसे बात करके जानना चाहते हैं। सिलवासा वैसे ही स्मार्ट सिटी है और यहाँ का वेदर भी बड़ा अच्छा है और गेम भी बड़ी अच्छी होती है, प्लस जो क्राउड होता है उनका भी काफ़ी सपोर्ट होता है। दूसरा ऑडिटोरियम का तो मैं यही कहूँगा आपके यहाँ कि हमारे दिल्ली एनसीआर से मैंने नहीं देखा है अभी तक, मैंने पंचकुला में देखा था, वो भी एक बॉडी बिल्डिंग के शो में जी, सेम वैसा ही ऑडिटोरियम है कि मतलब हर खिलाड़ी को इतनी सुविधा है, चाहे वो पानी से हो, बैठने से, एसी हॉल है, तो जो ऑडिटोरियम बनाया है बहुत ही बेमिसाल है जी। खास तौर पर वो युवा जो इस वक्त आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन्हें किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि खास तौर पर जैसे आपका नाम देखने के बाद लोगों को लगता है भाई काश हम भी इस तरह से कुछ कर सकते हैं, और सिलवासा के काफी सारे यूथ जो मैं देख रहा हूँ, सिलवासा, दमन, वापी, इस तरफ से पूरे जो है सूरत, अहमदाबाद, ये सारे जो यूथ कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपको, जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, कैसे ये कार्यक्रम में हिस्सा ले सके और कैसा रहा इसका जुड़ने का माध्यम? मैं एक ही बताऊंगा कि विक्रम वर्षा को यहाँ से मेरे पास जाना पड़ा, झज्जर हरियाणा। आज ये लोग वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, इंटरनेशनल भी खेले हैं और खुद IDF से भी जुड़े हैं और गेम भी कराते हैं, तो अब तो बच्चों के लिए बहुत इजी हो गया है कि इनके पास आके वो अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ये गेम भी खेलते हैं, ये गेम भी खिला सकते हैं, मतलब हर चीज़ की अपडेट है अब यहाँ पे कि कब कहाँ कौन सी गेम है, तो अब बच्चों को मेरे पास वहाँ जाने की जरूरत नहीं है हरियाणा, इन लोगों ने धक्के खा लिए जा चुके, तो ये इन लोगों के माध्यम से बच्चों को सबको पता चल सकता है जो भी गेम है। पिछली बार आपने कहा था कि हम सिलवासा के लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें लाने जा रहे हैं जो सिलवासा को एक बहुत बड़ा मुकाम, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देगा, जैसा कि आपने और विक्रम सर और वर्षा जी ने हमसे कहा था कि हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म आपने दिखा दिया कि वाकई ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आने वाले टाइम में पूरे देश के लोगों को एक बड़ा मुकाम जो है दिलाने में सक्षम रहेगा, क्या कहेंगे इस पर? ये क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम बच्चों को उनकी मेहनत का जो एक फल मिलना चाहिए वो मिल रहा है, अब वो चाहे उनको कैश प्राइज के उससे मिल रहा है, सप्लीमेंट की स्पॉन्सरशिप के माध्यम से मिल रहा है, या फिर लिफ्टिंग की जो एसेसरी होती है, बेल्ट होती हैं, शूज़ होती हैं, वो सब हम स्पॉन्सर करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ खिलाड़ी को चाहिए होती है सबसे पहले नाम की भूख, तो हम उसका नाम भी करा रहे हैं, उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। मुझे विक्रम फोगाट को किसी ने अपनी ID पे प्रमोट नहीं किया या बताया कि ये विक्रम फोगाट और ऐसे, लेकिन मैं हर बच्चे को जो भी हमारे बेस्ट लिफ्टर बनते हैं उन्हें खुद अपनी ID पे डालता हूँ, मतलब उनका प्रमोशन भी हो रहा है, खिलाड़ी का पहचान भी मिल रही है, स्पॉन्सरशिप भी, कैश प्राइज भी, इसीलिए हम कहते हैं हमारा स्टेज बेस्ट है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय जी। जिस तरह से सिलवासा में लगातार समाज सेवा के लिए आप अग्रसर नजर आ रही थी, आज यहाँ डेडलिफ्ट के कार्यक्रम में आई और यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, क्या कहेंगी? इंडियन डेडलिफ्ट फेडरेशन की शुरुआत हुई है फरवरी 2023 से, इन्होंने 5 स्टेट में अलग अलग जगहों पर ये चैंपियनशिप कराई है और मैंने उसमें से 4 स्टेट में पार्टिसिपेट किया है जी। मैं सिलवासा की सारी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, स्पेशली मेल तो क्या है, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, लेकिन फीमेल जितनी जरूरत होती है उतना ध्यान नहीं देती। तो मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि पहले अपनी हेल्थ की ध्यान दो, जब स्वस्थ स्त्री अगर स्वस्थ रहती है पूरा परिवार स्वस्थ रहता है जी। जैसे आप बाहर से आई हैं, जैसा पता चला, कहाँ से आई हैं आप? मैं अहमदाबाद से हूँ, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। पावर लिफ्टिंग में मेरा इंटरेस्ट अभी सिर्फ 6 महीनों से, बट आई एम वेरी ग्लैड कि मैं परस्यू कर रही हूँ, और स्पेशली इंडियन डेडलिफ्ट फेडरेशन जो बहुत डेडिकेटेड इस चैंपियनशिप को आगे बढ़ा है और स्पेशली एथलीट्स को इतना प्रमोट करता है कि वो लोग इस प्रोफेशन को, इस स्पोर्ट को बहुत अच्छे से ले एंड एनकरेज करता है, एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, आई थिंक इट बिल्ड्स अप योर स्ट्रेंथ। आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि एज वी ऑल नो कि हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, जैसे अंजुना ने कहा, तो आई थिंक इट्स अ बेटर वे फॉर इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ एंड पावर जी। धन्यवाद। कहाँ से आई हैं आप?
यूपी से आई हूँ। अच्छा, आज यहाँ पर आई, कैसा लगा और किस तरह का कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिला? ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इवेंट बहुत अच्छा आया, और मैं विक्रम सर के लिए कहना चाहूँगी कि वो डे बाई डे स्टेट बाई स्टेट गेम करा रहे हैं। मैं भी अब तक 4 गेम में उनके पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका स्ट्रगल, मेहनत रंग ला रही है। और हमें लगता है कि प्लेयर की जो रेस्पेक्ट है वो हमें यहाँ पे मिलती है। अदर पर्सन हम कहीं भी खेलने जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट यहाँ पे आके प्लेयर को रेस्पेक्ट विद बहुत सारे स्पॉन्सरशिप हैं, गेम से अजीब के हैं, मैंने भी कैश प्राइज हैं, तो बहुत बहुत उनके लिए कहना चाहूँगी। अच्छा कार्यक्रम मिला, कुल मिला के बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी फैमिली है गर्ल्स को सपोर्ट करें, लेडी को सपोर्ट करें, उन्हें अपने फिजिकली वर्क के लिए ज़रूर निकालें घर से, क्योंकि लड़कियों का बाहर निकलना बहुत कम होता है, उन्हें सपोर्ट मिलना बहुत कम होता है। गर्ल्स को आगे लाएं, बॉयज तो फिर भी कैसे ही ना कैसे ही मना लेते हैं फैमिलीज को, लेकिन लड़की हो या महिलाओं को भी एक स्थान जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र पर आकर बढ़कर जो है देखने की जरूरत है, और उनको परिवार को भी जरूरत है सपोर्ट की। बिल्कुल, एंड शी इज अ लाइव एग्जांपल, शी इज 40+ जी, फिर भी उन्होंने 207 केजी उठाया है, विच इज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि एज इज जस्ट अ नंबर। एंड शी इज 212, आई एम सॉरी, ओके, हम तो 200+ सुन के आउट हो जाते हैं, लेकिन शी इज अ लाइव इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि ऐसा हमें करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, खासतौर पर अगर बात किया जाए सिलवासा में फिटनेस के तौर पर, जैसे आप लगातार लोगों को प्रशिक्षित करते रहे हैं, आज ये मुकाम पर जैसे यहाँ पे विक्रम जी ने प्रोग्राम कराया और देश के नामचीन विक्रम फोगाट जी का आगमन यहाँ पर हुआ है, तो क्या किस तरह का वेदर, मतलब कह सकते हैं कि कैसा मौसम यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि सिलवासा का मौसम में तो देख रहे लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि विक्रम ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग में सिलवासा श्री हो चुके हैं जी, 2013 में इन्होंने चैंपियनशिप जीता था, और उसके बाद में जब इन्होंने पावर लिफ्टिंग में घुसे तो इन्होंने अपने को उस लेवल पे लेके गए, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया बेंच प्रेस में, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे सिलवासा, हमारे इंडिया के लिए। और उसके ऊपर से डेडलिफ्ट में इन्होंने इतना अच्छा प्रचार किया है, लोगों को इतना इनकरेज किया है ताकि वो सब लोग आए, और आज देखेंगे आपके सिलवासा से इतने लोग आ गए। ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि अभी कुछ दिन बाद आपको ये दिखेगा हर जिम में पावर लिफ्टिंग का एक सब्जेक्ट जैसा हो जाएगा, कि लोग इसको ट्रेनिंग के पीछे आएंगे और इनके पास इतने स्टूडेंट होंगे कि 150-200 आराम से खाली सिलवासा से उतरेंगे। इन्होंने उस तरीके का माहौल दिया है और एक गेटवे दिया उनको, और उनको ये भी बताया कि जिंदगी में फिटनेस जाना तो आपके टारगेट भी लो, बस खाली ट्रेनिंग करते मत जाओ, आपको कुछ अचीव भी कर सकते हो। उसके लिए गोल्स भी जो है वो लोगों के लिए बना के दिया, वो भी प्रोत्साहन भी दिया सबको, और स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी इन्होंने बहुत हेल्प किया है। विक्रम जी, खासतौर पर अगर बात, जैसा कि अभी विवेक जी ने बताया कि आप सिलवासा में जैसे 2013 में जो है सिलवासा श्री के पद पे भी रह चुके हैं, जीत चुके हैं, उसको अपने नाम कब्जे कर चुके हैं, लेकिन आज जिस तरह से इस मंच पर आए हैं, काफी सारे युवाओं को एक मौका दिया सिलवासा में फिटनेस के लिए, कुछ न कुछ हर तरीके से हम लोगों ने फिटनेस को आगे बढ़ाने के लिए सिलवासा में कोशिश करते रहे हैं। और जब बॉडी बिल्डिंग करते थे तभी भी हमने इस कोशिश को चालू ही रखा था, जब पावर लिफ्टिंग से जुड़े और जुड़ने के बाद में जब हमने ट्रेनिंग ली विक्रम फोगाट जी से, जो कि स्ट्रांग मैन इंडिया है, तो उन्होंने हमें एक चीज़ बोला था कि ये गेम सिर्फ टाइम पास के लिए मत खेलना, अगर खेलो तो इसको देश को रिप्रेजेंट करो, उस लेवल तक जाने की कोशिश करना। और दूसरी चीज़ बोली थी कि आप अगर जिस क्षेत्र से हो उस क्षेत्र में भी इस खेल को ले जा सको, उस हद तक खेलना। तो इन्होंने वो स्टेज भी दिया हमें जहां हम विदेश में जाके भी हमने देश के लिए खेला, और आज हमने यहां पे सिलवासा में ये प्रोग्राम करा के, और मेरी कोशिश, मुझे लगा कि मतलब सक्सेस हुई है कि सिलवासा से काफ़ी बच्चों ने, लेडीज़ लोगों ने, सब ने मतलब भाग लिया और अच्छा परफॉर्मेंस किया, जो कि मतलब ये प्लेटफॉर्म जो है मुझे कहीं ना कहीं सिलवासा को आगे फ्यूचर में डेडलिफ्ट का इंडिया लेवल पे डेडलिफ्ट फेडरेशन, मतलब ये अपने सिलवासा के प्लेयरों को कहीं ना कहीं नाम देगा, वैसी कोशिश शायद हमारी तरफ से जो हो रही है उसमें थोड़ी सी हमें एक रफ्तार दिखी। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का कार्यक्रम हुआ, खास तौर पर जैसे सभी यूथ जो है, बाहर से भी लोग आई हैं, महिलाएं आई हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं विक्रम और वर्षा राजपूत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक नया गेम, एक नई सोच सिलवास में लाए। आज तक जितने भी सिलवासा एक्चुअली ऐसी धरती है जहाँ पे अच्छे प्लेयर पैदा हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट रहा है
और जो छोटे ट्राइबल लड़के जो मिट्टी में खेले हुए बच्चे रहते हैं वो ऑलरेडी फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। और विक्रम ने आज 20 साल से वो फिटनेस में है और काफी इधर फिटनेस का इधर है, ग्रोथ भी है। लेकिन ये चीज एक ये जो नया गेम लाए ये इधर के युवाओं के लिए और खेल प्रेमियों के लिए उनका एक भविष्य बनाने का बहुत अच्छा जरिया। ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर चलाया। और ऐसे में अगर बात किया जाए सिलवासा से, अगर बात किया जाए स्पॉन्सरशिप में, अगर नागजुवा बिल्डर के द्वारा भी यहाँ पर इसे जो है स्पॉन्सर किया गया, साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ अगर ध्यान देंगे तो तमाम जो इस फील्ड के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हेलो इंडिया द्वारा जो लोग हैं उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरफ एक दिशा पे इशारा करती है कि ऐसे लोगों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हमारे प्रदेश में यूथ जो है अपना एक मुकाम बना सके, जिससे सिलवासा का ही नहीं बल्कि हमारे विस्तार से उठकर लोग देश का भी नाम बना सके। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक ले जय हिंद जय सिलवासा।